गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे गणित। सभी बच्चे ध्यान से देखो। कक्षा 4 विषय गणित, अध्याय 2 जनक का गांव। मेरा नाम दीपमाला शर्मा और मेरे साथ बाला कुमारी हैं। देखो बच्चों, बड़ी, इसका चिन्ह ये होता है। छोटी, छोटी का चिन्ह ये होता है। बराबर, चिन्ह ये होता है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। उदाहरण, 250, 130। इसमें बड़ा कौन सा है? 250। उसका चिन्ह ये वाला है। समझे बच्चों? 75 और 100, इनमें छोटी संख्या कौन सी है? 75, ये उसका चिन्ह है। नीचे देखो, 150 और 150, दोनों संख्याएं बराबर हैं। चिन्ह कैसा लगेगा? बराबर का। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, उपयुक्त चिन्हों को छोटी, बड़ी और बराबर को रिक्त स्थान में भरिए। नंबर 1, संख्या लिखी है 50, उसके बाद 30। बड़ी संख्या कौन सी है? 50। निशान चिन्ह होगा ये। नंबर 2, संख्या लिखी हमने 75, के बाद 100। छोटी संख्या कौन सी है? 75। कैसा चिन्ह लगेगा इसका? ये वाला। समझे बच्चों? नीचे देखो, नंबर 3, संख्या लिखी 180, उसके बाद 180। कैसी संख्याएं हैं दोनों? बराबर। तो चिन्ह कैसा होगा? चिन्ह होगा बराबर। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। प्रश्न 2, उचित चिन्हों को छोटा, बड़ा और बराबर को सही जगह भरिए। नंबर 1, 320 हमने लिखे शब्दों में, उसके बाद 400। बड़ी संख्या कौन सी है? 400। इसका चिन्ह बनेगा ये। समझे बच्चों? नंबर 2, 209, 209, दोनों संख्याएं शब्दों में लिखी हैं, बराबर हैं। चिन्ह लगेगा बराबर का। समझ में आया बच्चों? नंबर 3, 108, और दूसरी संख्या शब्दों में 80। छोटी संख्या कौन सी है? 80। चिन्ह बनेगा ये। समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, उपयुक्त चिन्हों को छोटी, बड़ी और बराबर को रिक्त स्थान में भरिए। नंबर 1,
400, दूसरी संख्या 398। बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 400, इसका चिन्ह ये होता है। नंबर दो, 249, 249, दोनों संख्याएं बराबर हैं, चिन्ह लगेगा बराबर। समझे बच्चों? नंबर तीन, संख्या लिखी 370, आगे 440, छोटी संख्या कौन सी है? 370, इसका चिन्ह ये बनेगा। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। प्रश्न दो, उचित चिन्हों को छोटी, बड़ी और बराबर को सही जगह भरिए। नंबर एक, 350, उसके बाद 450, छोटी संख्या कौन सी है? 350, चिन्ह इसका छोटा बनेगा। नंबर दो, 120, 120, दोनों संख्याएं बराबर, चिन्ह बराबर का ये लगेगा। नंबर तीन, 181, 155, 181 बड़े हैं, चिन्ह बनेगा ये वाला। समझ में आया बच्चों? तुम सबको घर पर अभ्यास करना है और याद करना है। ठीक है बच्चों? ओके, बाय, थैंक यू बच्चों।